सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कर दिया है कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी हैरान हैं। सुशांत के फैंस जो करना चाहते थे उन्होंने 24 घंटों के अंदर अपना टारगेट पूरा कर लिया है। महेश भट्ट की आने वाली फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को YouTube का मोस्ट डिसलाइक वीडियो बना दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। फिल्म निर्माता महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 काफी विवादों में है और ये विवाद अभी तक भी जारी है। फिल्म का ट्रेलर बुधवार सुबह को रिलीज किया गया। इसमें वे पहली बार अपनी बेटी आलिया भट्ट के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ जो देखते ही 24 घंटों के अंदर अंदर YouTube का मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन चुका है। इस वीडियो को अब तक YouTube पर 5.7 मिलियन डिसलाइक मिल चुके हैं जो कि लाइक डिसलाइक की रेशियो में अनफेवरेबल है। इसको अब तक 15 मिलियन व्यूज हुए हैं जिसमें से 2,55,000 लोगों ने ही सिर्फ इसके ट्रेलर को लाइक किया है। आपको बता दें कि सुशांत के फैंस ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें कहा गया था कि सड़क 2 के ट्रेलर को मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बनाना है और सुशांत के फैंस ने 24 घंटों के अंदर अंदर इसे यूट्यूब पर मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर वीडियो बना दिया है। दरअसल सुशांत के फैंस महेश भट्ट से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म के चलते सुशांत के साथ इंडस्ट्री में भेदभाव हुआ है जिसके चलते उन्होंने सुसाइड किया। वही ट्रेलर के रिलीज होने से कुछ दिन पहले महेश भट्ट ने अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट के माध्यम से फैंस के लिए एक मैसेज भी शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि आज के रूप में हम अपनी यात्रा की अंतिम चरण की शुरुआत करते हैं। मैं दुखी महसूस करता हूं। मैं कोई बोझ नहीं, कोई वजन नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, पूरा करने के लिए कोई मिशन नहीं, किसी को साबित करने के लिए कुछ नहीं। अगर फिल्म काम करती है तो ये आप सभी की है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरा है। आपको बता दें कि सड़क 2 1991 में संजय दत्त और पूजा भट्ट की आई फिल्म सड़क का सीक्वल है जो 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को बनाया तो थिएटर में रिलीज करने के लिए गया था लेकिन कोरोना वायरस के चलते ऐसा नहीं हो पाया, तो अब इस वीडियो को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। जैसे इस मूवी को फैंस का रिएक्शन मिल रहा है उस हिसाब से महेश भट्ट और उनकी फैमिली काफी परेशान नजर आ रही है। इसके ऊपर पूजा भट्ट ने भी एक काफी बौखलाया हुआ रिएक्शन दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।